चैनल जिसका नाम है सुपर स्टाइलिश नम्रता। सो एक सिमिलर क्लोथ्स में एक और वीडियो, क्योंकि ये मैं बैक टू बैक बना रही हूँ। पहले बिग बास्केट का कुछ अच्छी डील्स थी ग्रोसरी में, वो बताई आपको। सो इस वीडियो में दिखा रही हूँ किचन यूटिलिटी एंड हाउस होल्ड रिलेटेड कुछ सामान भी लिया मैंने बिग बास्केट से। सो चलिए स्टार्ट करती हूँ। और मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि जो सामान इतना सस्ता लिखा हुआ है वो इतना अच्छा भी होगा, बट इट्स वेरी नाइस। तो अगर अच्छा है तो शेयर तो करना बनता ही आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट है मेरी फेवरेट, ये एक बास्केट। सच बताऊं तो मुझे लगा था ये काफी छोटी होगी साइज में, क्योंकि बहुत कम प्राइस में दिखाई हुई थी। कितना प्यारा सा लाइट ब्लू सा कलर है, मेरी किचन ब्लू कलर में है तो मुझे ब्लू कलर ही आया। रैंडम कलर्स थे वहां, कोई सिलेक्ट नहीं कर सकते थे आप, तो खुद से उन्होंने ब्लू ही भेजा है। और इसका MRP है ₹72 और ये मेरे को मिला है ₹36 में। और मुझे नहीं एक्सपेक्टेड था इतना बड़ा साइज होगा, क्वालिटी अच्छी होगी। देखिए कितनी फॉर्म क्वालिटी है। अब कुछ लोग बिकेंगे लोकल मार्केट में तो इतने का ही मिलता है, तो भाई मैं लोकल मार्केट नहीं गई थी, घर में खुद सामान आ गया है मेरे। मैंने बिग बास्केट से मंगाया था तो लोकल मार्केट के रेट में ही मिल गया, इसलिए आई एम शेयरिंग इट। और क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। आई नो लोकल मार्केट में भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कई बार क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और कई बार क्वालिटी। क्राफ्ट बास्केट करके कोई ब्रांड है इसका, और काफ़ी स्पेशियस है। इसमें ना काफ़ी ज़्यादा मसाले वगैरह इकट्ठे करके रखने हो, अगर फ्रिज में ऑर्गेनाइज करने हो, जैसे ये पैक्स जब ये आए थे ना, सारा सामान इकट्ठे मैंने ऐसे करके डाल दिया था, काफ़ी कुछ जो भी पैकेट्स आए थे तो एक जगह में। सो एक जगह में काफ़ी सारा सामान इकट्ठा हो गया था, सारे मूंगफली वगैरह का पैक और चिली पाउडर्स, कैच हिंग, ये सब एक साइड ही आ गया। तो मेरा एक अभी सामान आता ही है तो आप ऑर्गेनाइज कर ले, इतना नहीं हो पाता, बच्चा भी छोटा है तो एक साइड आप फटाफट निकाल के रख दें एटलीस्ट, कि बाद में ऑर्गेनाइज कर दें वो भी सही रहता। तो उस हिसाब से बास्केट सही रही मेरे को। सेकेंड चीज़ है मेरी एक और फेवरेट चीज़, जो कि आपको पता ही होगा जो मेरे को कब से फॉलो कर रहे हैं, कि हैंगर मेरी बहुत ही प्यारी और फेवरेट चीज़ है। कपड़े घर में ऑर्गेनाइज करने हो, हैंग करने हो, सुखाने हो, उसके लिए मेरे को हैंगर्स चाहिए रहते हैं। और वार्डरोब्स में ऑर्गेनाइज करने के भी लिए भी चाहिए रहते हैं, क्योंकि समय समय पे आपके कपड़े बढ़ते ही जाते हैं, कम तो होने का काम कम ही होता है। ये 10 pieces का सेट है और ग्रीनिश सा शेड है लाइट सा, और MRP इसका काफ़ी ज़्यादा दिखाया है जो कि है 300। अभी मैंने क्वालिटी चेक नहीं की है कितना अच्छा है। सो ये 10 pieces का 299 का दिखाया है, मुझे ये मिल गया है 137 में। आई थिंक डीमार्ट वगैरह में भी हैंगर्स का सेट मिनिमम 12 pieces का आपको मिलेगा, आई थिंक 200 का या 180 का मिनिमम। सो ये मेरे को अच्छा लग रहा था कि 137 में ही मेरे को 10 pieces मिल रहे हैं। और इसमें देखिए यहाँ पे भी ऐसे कुछ है, ये आई थिंक जो टी शर्ट्स आपकी जो गिर जाती है, और टी शर्ट्स के अंदर ऐसे टॉप जो होते हैं वो लेडीज़ के, उसके अंदर ऐसे लूप सी दी होती है उन्होंने रिबन फॉर्म में, वो उसमें लगा सकते हैं और फिर वो गिरेगा नहीं, क्योंकि काफ़ी ऑफ शोल्डर टॉप भी होते हैं। सो ये है वो हैंगर, और क्वालिटी आप देख सकते हैं इतनी भी फॉर्म नहीं है, बट मेरे टॉप्स और उसके लिए तो मुझे सही है, क्योंकि मैं सिंगल सिंगल मोस्टली क्लोथ्स ऑर्गेनाइज करती हूँ, एक में एक ही होता है। सो अगर आप बहुत ज़्यादा जैसे चीज़ें लगाते हैं, जैसे पैंट्स वगैरह, वो मैंने जो काफ़ी फर्म होते हैं प्लास्टिक के हैंगर्स जैसे हर जगह से लेती रहती हैं, तो उसमें भी मैंने ऑब्जर्व किया थोड़ा सा बेंड आ जाता है, अगर आप 2 से 3 पेंटें ये प्लास्टिक वालों में अगर हैंग करें तो, कोई सा भी हो कितना भी हैवी, उसके लिए वुडन का लगेगा या तो लगेगा स्टील का, और स्टील वाले अगर अच्छी क्वालिटी नहीं होती तो रस्ट करने लग जाते हैं। सो ये देख सकते हैं आप, मेरे लिए परफेक्ट है क्योंकि आई हैंग सिंगल क्लोथ्स, मैं ज़्यादा क्लोथ भी हैंग करके देख लूँगी, क्वालिटी तो अच्छी ही लग रही है मेरे को, बट इतनी भी नहीं कि 5-7 क्लोथ्स आप आगे इकट्ठे लगा दोगे तो ये शायद बेंड करेगा ही, और मोस्टली प्लास्टिक के बेंड कर जाते हैं। हाँ प्राइस वाइज मेरे को सही लगी थी ये डील तो मैंने ले लिए। देन मैंने लिया है एक लेमन स्क्वीजर, और ये मेरी किचन में कब से नहीं है, पुणे में भी नहीं था, मेरे पास था ही नहीं एक्चुअली कब से, बिग बाजार में भी देखा है, हर जगह देखा, मेरे को प्राइस ही नहीं लगता था, मार्केट में भी
तो 129 रुपीज इसका एमआरपी है, मुझे मिला है ये 64 रुपीज में। केएफजी ब्रांड है, आई थिंक ये ब्रांड मैंने बिग बाजार वगैरह में भी देखी है, बट ये जो अंदर से है ये काफी शार्प है, अंदर से जो है ये यहाँ से और यहाँ से, सो अंदर से ये जो पोर्शन है ये काफी शार्प है, तो आपको सावधानी से बरतना पड़ेगा नहीं तो हाथ में लग सकती है। देखती हूँ वो जो होता है ना ऐसे रेग मार्क सा, उससे थोड़ा सा ऐसे कर दूंगी तो थोड़ा इवन हो जाएगा। सो ये मेरे को मिल गया 64.50 में। देन जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है एक छोटू सा स्टैंड, और इसमें छोटा पतीला या कुछ भी आ सकता है आपका, और ये छोटू है स्टैंड, मुझे थोड़ा बड़ा लगा था बट छोटा स्टैंड है, बट मेरे को छोटा स्टैंड चाहिए था क्योंकि आई डोंट हैव स्टीमर राइट नाउ, मुझे ऑर्डर करना है स्टीमर, इसलिए हुनर के जैसे अगर कोई फ्रूट देना हो इसको या कुछ भी देना हो तो एक कटोरी रख के, मैं किसी भी बर्तन में एक कटोरी रख के नीचे से थोड़ा सा पानी डाल के कर सकती हूँ उसका कोई भी फ्रूट लाइक एप्पल बॉइल, क्योंकि अगर सीधे ही डाल दे रही थी मैं तो वो पानी उसमें आ जा रहा था, तो कटोरी में पूरा पानी भर जा रहा था और वो एप्पल का पूरा रस ही निकल जाता है, फिर ये इसने खाया ही नहीं वो, और वो बिल्कुल टेस्टलेस सा हो गया था। और ये पीछे मैं इसलिए देखती हूँ बार बार, वो मेरे साथ ही होती है वीडियोस के टाइम, तो यू कैन वेयर इट आई नो। सो ये है वो स्टैंड, और ये छोटा साइज आया तो छोटा ही साइज चाहिए था मेरे को और वैसा ही आया है, और ये 59 रुपीज इसका एमआरपी है। हुनर वन सेकेंड लेट मी टेल द प्राइस। ये मेरे को 29 रुपीज 50 पैसे का मिला है, 29 रुपीज का, और क्वालिटी काफी अच्छी लगी इसकी मेरे को, फर्म है। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस, लेट मी टेल यू व्हाट इट इज, दिस बॉटल, और ये बता दूं मैं 500 ml वाटर के लिए है, और इसके ऊपर है ये एक टिन, सॉरी, और इसके ऊपर है ये टिन में लिड। कलर इसका रेडिश है, वहां अलग अलग कलर शो किए हुए थे, मजेंटा, येलो, ब्लू, तो रेंडमली उन्होंने ये वाला कलर भेजा है, ब्लू भेजते तो मेरे किचन के साथ बिल्कुल जाता, तो ये भी सही कलर है, और 500 ml वाटर के लिए है, और पेंटेड है आई थिंक, आप देख सकते हैं तो बाहर से ही होगा, आई डोंट थिंक कि अंदर भी पेंट किया होगा, नहीं तो पूरा निकल जाएगा पानी से। सो ये है एमआरपी इसका 129 रुपीज। सो ये मेरे को मिली है अप्रोक्सीमेटली 53 रुपीज में, और ऐसी सिमिलर बॉटल्स मैंने आपको दिखाई थी एक मेरे हॉल में जो था स्टार बाजार का, 3 बॉटल्स दिखाई थी, 2 मैंने परचेज की थी और एक मैंने आपको ऐसे ही आइडिया के लिए दिखाई थी, वो 750 ml की थी, एक पिंक शेड में और दूसरी ग्रीनिश शेड में, वो तो काफी बड़ी थी, वो मैंने मिल्क के लिए ली थी, और उसका प्राइस अगर आप जाके चेक कर सकते हैं वो 80 से 90 रुपीज में थी आई थिंक, 750 ml वाली, भूल गया मेरे को, आपको लिंक छोड़ दूंगी ऊपर, आप जाके चेक कर सकते हैं। सो लास्ट प्रोडक्ट है ये एक मैग्नम का ग्लास बॉल, और 1 पीस है ये, और दिखा दूं आपको कैसा है, ये ऐसा करके है कुछ, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है, ऐसे थोड़ा सा डिजाइन है इसमें, और ऊपर है प्लास्टिक की लिड, और वो मैंने चेक की है एयर टाइट ही है, इसमें भी देख सकते हैं आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स अवेलेबल थे पर इन्होंने अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके भेजा है। सो मेरे किचन में ब्लू शेड ज्यादा है, सो अच्छा हुआ ब्लू ही आ गया, और दिखा दूं आपको खोल के, मुनक भी मेरे साथ है, ऐसा करके है प्लास्टिक का लिड, इसका एमआरपी है 79 रुपीज, और ये मेरे को मिली है 39.50 लगभग 40 रुपीज में। सो ये ऐसा है, ऊपर से एक्चुअली इसमें आता है प्लास्टिक, मुझे तो अच्छा ही लग, चल जाएगा ठीक ठाक समय तक, प्राइस के हिसाब से अच्छे ही है प्रोडक्ट, बहुत ज्यादा प्राइस ही नहीं है तो उतने सुपीरियर भी नहीं होंगे, बट कुछ कुछ प्रोडक्ट तो एकदम सुपीरियर है। सो गाइस ये था मेरा छोटू सा किचन यूटिलिटी और कुछ होम स्टफ रिलेटेड हॉल, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसी वीडियोस देखने के लिए, एंड नोटिफिकेशन बेल को प्लीज 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 जरूर दबाएं, क्योंकि आपको तभी तो नोटिफिकेशन मिलेगी मेरी रीसेंट वीडियो की, सबसे पहले आप उनको देख पाओगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो से, बाय बाय एंड टेक केयर, और जो लोग पूछेंगे ये बालों को क्या हुआ, ये मैंने हेयर कट करवा लिया है करवा लिया है या कर लिया है आप बता दूंगी आपको एक ब्लॉग में, तो चलिए बाय बाय।